की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। राजनीति के इस माहौल में जब भी कोई बात होती है तो सीधा सीधा आरोप किसी एक विशेष पार्टी पर लगा दिया जाता, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ एक स्कूल है, यह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आदर्श विद्यालय, दरअसल दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, ये DUSIB जिसको कहा जाता है, उसकी ये ज़मीन थी। कांग्रेस के ज़माने में ये अलॉट हुआ था। 1964 में ये ज़मीन एक सोसाइटी है जिसको दे दिया गया, जो इस स्कूल को चला रही है, ठीक है, उस सोसाइटी को ये ज़मीन अलॉट किया गया। उस समय की जो कीमत थी वो भी अदा कर दी गई। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी सरकार दावा करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने अमूलचूल परिवर्तन किया, आज 26 जुलाई है और आज स्कूल चालू है। तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको पीछे से, आप देखें कि बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं पढ़कर, स्कूल चालू है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ LKG नर्सरी से लेकर 5th तक की पढ़ाई होती है और वो भी निःशुल्क विथ यूनिफॉर्म एंड बुक। उसके बावजूद इस स्कूल को किसी भी बहाने से दिल्ली सरकार ने सील करने का आदेश दे दिया है। ये आप अभी थोड़ी सी भीड़ देखेंगे अंदर, आपको दूसरी तस्वीर में दिखा रहा हूँ फ्रेम में, जहाँ दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो पूरी तरह से तैनात हैं और स्कूल को वैकेंट कराया जा रहा, खाली कराया जा रहा। थोड़ी देर में सील की प्रक्रिया भी हो जाएगी पूरी, अंदर जो है सबको खाली कराया जा रहा। मैं इस वक्त दरवाजे पर खड़ा होकर आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। अब फैसला आपको करना है कि दिल्ली सरकार एजुकेशन सेंटर को, अगर ये इल्लीगल है, अगर गैर कानूनी है, तो जब समर वैकेशन था तब मौका था, इसे बंद कराया जा सकता था, या फिर और दूसरे मौके से जहां बच्चों का एक साल बर्बाद ना हो। लेकिन अभी क्लास का टाइम है, जस्ट स्कूल ओपन हुआ है और इस तरह की कार्रवाई हो रही है, मतलब अब बच्चे अचानक कहां जाएंगे और उनका एक साल बर्बाद होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड या दिल्ली सरकार के मुखिया जो स्वयं जेल में हैं? क्या उनके विधायक इस स्कूल के विषय में नहीं जानते हैं, या उनके विधायक की ही भूमिका है? ये भी एक प्रश्न है। लेकिन ये तय ज़्यादा दिन तक छुपेगा नहीं, ये भी सच सामने आ जाएगा कि क्या वाकई क्षेत्रीय विधायक ने ही इस तरह के काम को अंजाम दिया है या उनको खबर नहीं है। बहरहाल ये दिल्ली सरकार का विभाग है, इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए सवाल दिल्ली सरकार से ही बनता है। सो आप यहाँ के लोगों की सुनेंगे, लोग क्या कह रहे हैं इस स्कूल के विषय में और इस सोसाइटी के विषय में और इसके चेयरपर्सन के विषय। तेरा काम करते हमारे संग, बड़े बूढ़े लोग, गरीब आदमी लोग पढ़ रहे हैं, हमको खाने को पैर भी को देती है, यात्रा करा के लाइए, कपड़े देती है हमें पहनने के लिए, कंबल देती है, हमारी मदद करती है हमें, लेडीज है, बहुत अच्छी लेडीज है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। कौन कर रहा है ये काम, सीलिंग कौन करवा रहा है, आपको क्या खबर है? देखिए, हमें तो पता चला कि यह सीलिंग हो रही है, ये किसने करा है ये मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि मैडम बहुत अच्छी हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, गरीबों का। मैडम अच्छी हैं तो मैडम के साथ थोड़ा ना कुछ हो रहा भाई, सीलिंग प्रॉपर्टी पर हो रहा, इसके पीछे क्या कहानी है वो असल मुद्दा जानना। लेकिन इसकी बताइए हमें क्या क्या वजह है उसकी, सीलिंग तो देख रहे हैं इन्हीं की प्रॉपर्टी साल से देख रहे हैं हम, तो जब से इस दिल्ली में आए हमें 20-25 बूढ़े हो गए हम, छोटे से हम ब्याह के आकर जब से माँ बाप के घर से देख रही, मैं देख रही, शादी भी नहीं हुई थी इनकी, इनकी शादी भी नहीं हुई थी, छोटी छोटी थे जब के देख रहे हम इनको, किसी बेटी के भी होगा भी, आज दूसरे की बेटी के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, इतनी अच्छी हो रहे थे, बहुत पुराना स्कूल है ये, हम तो इसी में पढ़े लिखे हैं, तो इसी में पढ़े हम भी, इसी में पढ़े हैं, मैं भी इसमें पढ़ी हूँ, हमारा पूरा परिवार इस स्कूल में पढ़ा है, तो ये अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत गलत। आप इस स्कूल में पढ़ी? हाँ जी, मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, बहुत पुराना स्कूल है, साल पहले की बात कर रहे हैं, ये तो 5वीं तक की स्कूल है, 5वीं क्लास तक की बात है ना, तो मैं यहाँ पे पढ़ के फिर हम लोग आगे वाले स्कूल में चले गए थे, 5th क्लास तक पढ़ी थी मैं यहाँ पर, अब स्कूल 8वीं का, आपके भी बच्चे यही पढ़े और क्या, सारे बच्चे पढ़े, बूढ़े गए मेरे बच्चे भी, स्कूल में फीस उस भी ले जाता है? नहीं, अमन से तो ना लिया, और न कैसे गए थे,
ये कोई सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी जमीन नहीं है, इनकी अपनी पर्सनल जमीन है। जायज पैसा लेती है, नाजायज पैसा नहीं है। गरीब बच्चों का साथ देती हैं, सब धार्मिक काम करती हैं, कीर्तन यहाँ होता है और घुमाने ये ले जाती हैं हर जगह। किसी को कुछ दिल नहीं दुखाती किसी का भी, आज तलक भी नहीं दुखाती। बहुत अच्छी मैडम है ये, कभी आज तक गई है। शनिवार को हमें लेके गई है, सारी वृंदावन, बरसाना, नंद गाँव, सारी जगह हमें घुमा के लाई है। कोई भी कुछ नहीं करता, हमको बेचारा खाने पीने को भी नहीं दिया हमको। कह रही तुम किसी चीज की चिंता मत करो, नहाने का धोने का सब इंतजाम हमारा वहाँ करा कर जाती, सारा कुछ यहाँ करते हैं। कभी उन्होंने गलत काम किया ही नहीं है आज तक सर, और इतनी अच्छी है वो। आज तक गाँव नहीं देखा हमें, नंद गाँव दिखा के लाई है, बरसाना दिखा के लाई है हमको ये। आप रो क्यों रही है, तो स्कूल है ना, स्कूल है। लेकिन मैं अपनी अपनी जो मेरी मैडम है वो मेरे भाई बाप की जगह, मैं उनके लिए रो रही, मैं स्कूल के लिए नहीं रो रही। आज जो उनकी जो इतनी इज्जत, आज इतने समाज में हर इंसान के आगे उनकी इज्जत है, आज उनकी इज्जत एकदम मिट्टी में मिलाई जा रही है, उनके फादर की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है। मुझे इस चीज़ पर रोना आ रहा, मुझे और किस चीज़ पर रोना नहीं आ रहा। ये लेडीज़ वो लेडीज़ है कि सबके लिए बहुत अच्छा सोचती है। आज वो एक बूटी की जो है ना, मुझे डर लगता है कि उनको कुछ हो न जाए, इतना बड़ा गम सह के। अच्छा अच्छा ज्ञान देती है हमें, जिस चीज़ का हमें मालूम नहीं ना, आज हम उनसे मालूम हो रहा है। हम सत्संग में आते हैं हर वीरवार को, हमें ऐसा ऐसा ज्ञान मिलता है, इसलिए हम वहाँ पर आते हैं, उनकी हाथ जोड़ते हैं उनके आगे। अभी हमें घुमा के लाई है सारी जगह वो। क्या हाल है ये तमाम महिलाएं, ये कोई मतलब आर्टिफिशियल आंसू नहीं है, ये महिलाएं मैच्योर्ड हैं और इन्हें हम दादी की श्रेणी में आप रख सकते हैं, देख लीजिए आप। और सबके आंख में आंसू दर्शाता इस बात को कि वाकई ये जो मैडम दिनेश हैं, इनकी लोकप्रियता थी और वाकई ये गरीबों के हमदर्द थी और इस सोसाइटी के मातहत जो है वो वाकई जनता की सेवा कर रही थी। वरना ये इस तरह का किसी लीडरों की गिरफ्तारी में भी आपने नहीं देखा होगा, इस उम्र की महिलाएं करती हैं, हमें करती हैं, हमें सब चीज़ की सुविधा देती हैं, हमको हर चीज़ से। आप ये देख लीजिए हालत है, उम्र ये हो और वो इस तरह से फूट फूट कर रो रही है, मतलब वाकई लग रहा है कि गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ये हद से ज्यादा गलत हो रहा है, ये गलत नहीं हो रहा है। आप कब से जुड़े हुए हैं? अरे आप हमसे बोलो क्या लोगे, ये जब से कॉलोनी आई है हमारे सामने, हमने बर्तन पानी में बहते हुए देखे हैं यहाँ, हमारे बच्चे यहाँ पे आटे के रोटी के लिए भूखे मरे हैं यहाँ, इन लोगों ने हमें जिंदा रखा है, इनके बड़े बूढ़ों ने हमारे को जीने का यहाँ पे सब कुछ दिया है, पानी दिया है, रोटी दी है, लैट्रिन बाथरूम चौथरों पे यहाँ पे लैट्रिन थी, यहाँ पे यहाँ के हमारे नेता सज्जन कुमार लैट्रिनों में घुस जाते थे, यहाँ पे काम करवाते थे एक्शन से, और जियो के अंदर बोला जब मैं घुस सकता तो यहाँ पे तुम क्यों नहीं घुस सकते यहाँ पे आगे। पानी की बूंद नहीं आ रही थी, हैंड पंपों से पानी लिया करते थे, पानी ढूंढो के लेके आते थे, यहाँ साकेत नहीं था, एमपी रोड नहीं था, एयरफोर्स नहीं था, टिकड़ी के सामने एयरफोर्स नहीं था, पल्ला वाला पूरा का पूरा जंगल। 1964 में आई स्कूल, 64 से है यहाँ, 1964 से स्कूल है। चौधरी प्रेम सिंह ने जगह जो है यहाँ पे अलॉट की है, उसके पास कागज हो या ना हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे कागज है, देखो अब आप बोले हो कागज है, मैं तो मैंने सारी बात कर रखी है, लेकिन मौका ही नहीं दिया क्या कुछ दिखाने का भाई, मौका दे या ना दे, बात यह है कि जब मिली भगत हो गई है, जब सबकी मिली भगत हो गई तो क्या करोगे अब आप, सब कुछ उसके बाद। 1964 से हम जिंदे बैठे हुए हैं, मेरी उम्र 72 प्लस है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको अपनी एज बता सकता हूँ कि यानी मैं वो उससे बोल रहा हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिटायर हूँ, मेरे पास एज ए प्रूफ मैं 72 प्लस हूँ। अगर मेरी उम्र में कहीं आपको डाउट लग रहा होगा मैं बनावटी बातें बोल रहा हूँ, तो मैं आपको शो कर रहा हूँ बिल्कुल, ये इधर का बाद में बसा है, ये इधर का बाद में पहले का है, ये इससे ये बना है, पहले मदनगिर बनी है, उसकी जगह ये है, मदनगिर जब बसा उसी वक्त ये स्कूल भी इसको बना है, ये कॉलोनी बाद में बनी है, ये वाली कॉलोनी पूरी पूरी इधर की ये बाद में बनी है, पहले ये है, इसके ये है। और छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको, आप मुझे सुने थोड़ा सा, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है देने के लिए उनको पढ़ाया जाता है यहाँ, इसको बिजनेस के पॉइंट से इसको उठाया जा रहा है,
या जितने अंदर के पब्लिक स्कूल जो चलाए जा रहे हैं सरकारी तौर से, उन्हें प्राइवेट बना के चलाया जा रहा, मेन इनका जो इशू मेन है, उन लोगों को यहाँ पे लाके स्कूल देना है। असल मुद्दा ये है कि गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और संस्कार निर्माण और उन्हें स्टेबल करने के लिए उनको माने मजबूत नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। कहीं खटकता तो नहीं है किसी को इस तरह के प्रयास से, कोई परेशान तो नहीं है जो चाहता है कि लोग जाहिल ही रहें ना पढ़ें। ऐसे लोग भी, ऐसी ताकतें भी हैं, अनेकों तरह की बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल इस मुद्दे को मैं आज क्लोज नहीं कर रहा हूं, मैं इस वीडियो के बाद लगातार इस विषय पर आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। बस एक विनती, एक गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग ये समझ लें कि कौन सी सरकार क्या कर रही है और किसके इरादे क्या हैं।